सीट नंबर वन। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं ऑटो में क्यों हूँ, और मेरे साथ ये लोग। हम लोग जा रहे हैं आज जैन के नानी के घर। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं फिलहाल तारापुर फ्लाईओवर के ऊपर। ये रहा स्टेशन जो दिख रहा है, यहीं से हम मालगाड़ी पकड़ेंगे और निकलेंगे कहीं और। जैसे ही स्टेशन में उतरा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास सामान कुछ ज़्यादा है, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपुन ही चुकुली है। तो ये रहा हमारा ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस, सीट नंबर वन। यही हमारा सीट है। यहाँ पर देखा कि कुछ जल्दी आ गया, हमने इसको दरवाजा भी खोला। काफ़ी देर गर्मी खाने के बाद अब फाइनली टाइम आया है एसी के अंदर घुसने का। तो अभी हम लोग अपनी सीट में जाएंगे। वन टू वन टू। नो नो हेलो हेलो पापा आएगा जल्दी अंदर। कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली ये बैग कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीट के नीचे घुसा। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अभी 11:35 में ट्रेन छोड़ेगा। हम लोग सीट है वन और टू, मिडिल बर्थ और मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ। सदियों के इंतज़ार के बाद ड्राइवर की आंखें खुली और ये ट्रेन चल पड़ा वेस्ट बंगाल की तरफ। नाम क्या तुम्हारा? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यूकेजीबी। दूसरों को खाते देख मेरे मन में भी लालच आ गया, और मैंने भी अपने लिए एक प्लेट ले लिया है इडली डोसा। अभी चलो बैठ के खाते हैं अंदर। क्या बताऊँ, खाना इतना लाजवाब था कि चाट चाट के खाना पड़ा। तो फाइनली ड्राइवर की नींद फिर से खुली और ट्रेन बदरपुर जंक्शन छोड़ के आगे की ओर चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद बैठे बैठे बोर होने के बाद सोचा कि थोड़ा सा वादियों का भी मज़े ले लिया जाए, तो मैंने शुरू किया अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो बेसिकली यहाँ पर ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम ही होती है। जब तक प्लेन एरिया नहीं आता तब तक ये ऐसे चलते रहेगा। तो इनकी मस्ती कुछ अलग ही चल रही है। देखो इनकी मस्ती। खाना खा लिया? क्या खाना खा लिया? हाँ। क्या खाया खाने? अंडा तन ना रोटी। क्या खेल रहे? अंडा तन ना रोटी फायर डाल। आई 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 आई
हाँ बोलो हेलो हेलो हेलो। तो बैठे बैठे बोर होने के बाद तो मैंने सोचा कि क्या करे क्या करे, तो फाइनली मैंने सोचा इस बच्चे को पकाता हूँ। कुछ बोलना चाहोगे? हाँ। क्या बोलोगे बोलो। हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम खुशी। हाँ थैंक यू फ्रेंड, वेरी गुड बाय। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद फाइनली टाइम आ गया खाना खाने का। पूरे दिन सफ़र करने के बाद अब समय आ गया है सोने का। रात के बज रहे 9:30, पर यह है कि अलग ही दुनिया की मस्ती चल रही है इनके अंदर। और ये हो गया मेरा बेड, ये हमारा दूसरा बेड, तो नीचे मैं सोऊंगा, ऊपर मेरी वाइफ सोएगी। तो बेड रेडी है अभी से। तो अगले दिन सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने पाया ये कहाँ से आ गए। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरी ज़रूरत है चाय, जो कि अभी तक नहीं आया कोई लेके, कब आएगा। तो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार मैं इतने देर से कर रहा था, चाय, वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। और चाय पीने के बाद काफ़ी मतलब सुकून सा मिला मेरे को। और बाहर बारिश होते देख मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं आ गया फिर से गेट के पास अपना कैमरा लेके। और ये ठंडी ठंडी हवा है मेरे जुल्फों को सहलाते हुए। अभी फ़िलहाल 9:35 बजे है और फ़िलहाल अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर है और ये बारिश कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली। लंबा कैमरा कोई करता है क्या? आसाम का दही में बहुत डिफरेंस है। दही नहीं, मीठा दही, मीठा दही, मीठा दही, मीठा दही, नहीं मालदा से अभी तो पहुंचा नहीं खुला मेरे। यहाँ का दही भाड़ में मिलता है। हम लोग कौन सा कोच है? B4। B4 है। हाँ। हम लोग उधर से सामान फेंक देंगे, कैच कर लेना। कैच करने के लिए बैठे हैं। तो दही खाने के बाद अब मालदा को बाय बाय करने का टाइम आ गया है और अगला स्टेशन हमारा है जो कि फरक्का। तो मालदा क्रॉस करते ही हमें मिलेंगे ये बहुत सारे आम के बागान। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत तरीके के आम मिलते हैं और लीची के भी बागान यहाँ पर हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रिज विच लेंथ इज़ 2304 मीटर, सिचुएटेड इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल एंड इट इज़ अवे 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बांग्लादेश बॉर्डर एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन गंगा रिवर। तो फाइनली हम लोग फरक्का पहुँच चुके हैं, न्यू फरक्का जंक्शन, वेलकम बैक। तो ये है फरक्का स्टेशन और हम लोग यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं और धूप काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही धूप है। तो अभी हम लोग यहाँ से मार्केट से उतरेंगे और टोटो पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद फिर जाएंगे अपने ससुर के घर। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर शायद। वेलकम टू कुबारुन टाउनशिप। और ये है नेशनल हाईवे 34 जो कि सीधा जाता है मेरे घर की तरफ यानी गुवाहाटी।